इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कंचा। बच्चों, इस पाठ को हमने इसके भाग एक में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी से, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? जार बड़ा होते होते आसमान सा बड़ा हो जाता है और अप्पू उसके भीतर चला जाता है। अप्पू अकेला ही अपने चारों तरफ कंचे बिखेर कर उनके साथ खेलने लग जाता है। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक नादान बच्चा है जो अपनी मनपसंद चीज, क्या थी अप्पू की मनपसंद चीज? कंचे। तो उन कंचों को देखकर वह मंत्रमुग्ध था, यानी उसका पूरा ध्यान उन्हीं कंचों पर था। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। वे दोनों उसे देखकर पहले परेशान होते हैं क्योंकि दुकानदार के सामने अप्पू कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा था। ड्राइवर के सामने वह बिना अपनी जान की परवाह किए बीच सड़क पर कंचे उठा रहा था, तो उसकी ये दोनों बातें देखकर दोनों ही परेशान थे। और दोनों फिर हंसते क्यों हैं? जब अप्पू कंचे खरीद लेता है तब दुकानदार हंस देता है, दूसरी तरफ जब अप्पू अपना कंचा ड्राइवर को दिखाकर हंसता है तो उसकी नादानी को देखकर ड्राइवर का गुस्सा हवा हो जाता है और वह भी हंसने लगता है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, ये हमने कहानी में पढ़ा था ना। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। तो सबसे पहले तो मास्टर जी जैसे ही कक्षा में आए, उस वक्त कक्षा में आते ही मास्टर जी ने ऊंची आवाज़ में पढ़ाना शुरू किया ताकि सभी बच्चे अपनी बातें छोड़ मास्टर जी की ओर अपना ध्यान दें। थोड़ी देर बाद मास्टर जी को लगा कि अब सभी बच्चे उनको ध्यान से सुनने लगे हैं, क्योंकि मास्टर जी फिर रेलगाड़ी के बारे में विस्तार से बता रहे थे, तो उनकी आवाज़ फिर धीमी हो गई थी। कहानी से आगे, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी जिसे पिट्ठू कहा जाता है, जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, अपनी एक सूची बनाएं। तो ये बच्चों, आपके गली मोहल्ले में जो खेल खेले जाते हैं उनके हिसाब से आपको सूची बनानी है। जैसे आजकल इस प्रकार के खेल काफ़ी कम हो गए हैं, हमारे इलाके में ये खेल खेले जाते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। आपको जो भी खेल पसंद है उस खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में बताना है। जैसे ये देखो, बास्केटबॉल इस तरह के कोर्ट में खेला जाता है। इस खेल में दो टीमें बास्केटबॉल कोर्ट में खेलती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इस खेल को खेलते भी हो। दोनों टीमों में पांच पांच खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक दल को दूसरे के बास्केट में बॉल डालने पर अंक मिलते हैं, ये यहाँ पर जो बास्केट लगी रहती है दोनों तरफ। खेल को खिलाने के लिए दो रेफरी होते हैं। निर्धारित समय में जो दल ज़्यादा बास्केट करता है वह जीत जाता है। अनुमान और कल्पना। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था, तो ये आपने कहानी में समझा था ना कि वो कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हो, कि आप क्लास में तो बैठे नजर आ रहे हो लेकिन वैसे आप क्लास में नहीं हो? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी,
अपने अनुभव लिखिए, तो ये आप अपने अनुसार लिखो। जैसे मेरे साथ ऐसा एक दिन हुआ था जब मेरी खास मित्र कल्पना हमारे घर आने वाली थी, तो क्लास में ध्यान न होने के कारण मैं क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं अपने दोस्त से बहुत दिनों के बाद मिल रही थी और उसके आने की खुशी में मैं अपनी पुरानी बातें सोचकर कहीं खो सी गई थी, और वो दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही लंबा गुजर रहा है, वक्त बीत ही नहीं रहा। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे, तो ये आप अपने मन से लिखो। जैसे मैं इस कहानी का शीर्षक देना चाहूंगी, मेरे प्यारे कंचे। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि गुल्ली डंडा कैसे खेला जाता है, उसके बाद क्रिकेट कैसे खेलते हैं। दोनों में ही एक एक बैट होता है, यहाँ पर बैट से बॉल को मारा जाता है और यहाँ पर एक डंडा होता है, डंडे से ये गिल्ली लकड़ी का एक टुकड़ा होता है उसको मारा जाता है। तो ये दोनों में समानता हुई। गुल्ली डंडा और क्रिकेट दोनों खेलों में डंडे से गुल्ली और बैट से गेंद को मारा जाता है। दूसरी टीम के खिलाड़ी अगर गुल्ली या गेंद को कैच कर लें तो मारने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है। तो ये दोनों ही खेल में ऐसा होता है कि अगर गिल्ली को या बॉल को विरोधी टीम का खिलाड़ी कैच कर ले तो वो आउट माना जाएगा खेलने वाला। और इन दोनों में अंतर, गुल्ली डंडा बिना लिखित नियमों का एक स्थानीय खेल है, जबकि क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लोकप्रिय खेल है जिसके लिखित नियम हैं। भाषा की बात, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं, इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला मुहावरा है माँ ने दांतों तले अंगुली दबाई, तो जिसका अर्थ होगा आश्चर्यचकित होना। इससे संबंधित हमें दो मुहावरे बनाने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो हक्का बक्का रह जाना, जादूगर का खेल देख सारे बच्चे हक्के बक्के रह गए। दंग रह जाना, सुनील के परीक्षा में 100% अंक देखकर सभी दंग रह गए। दूसरा मुहावरा है सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है, तो जिसका अर्थ होगा हतप्रभ रह जाना या कुतूहल से देखना। तो इससे संबंधित दो मुहावरे सांस थामे, हम सब सांस थामे मैच का आखिरी ओवर देख रहे थे। सन रह जाना, अचानक बगीचे में सांप को देखकर मैं सन रह गई। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। आपने बच्चों छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि विशेषण किसी शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, लेकिन हमने उस वक्त एक एक शब्द ही पढ़ा व समझा था, जैसे बड़ी रकम या फिर इतनी रकम, इस तरह से। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। यहाँ पर एक शब्द है रकम, जिसके बारे में बताया जा रहा है पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। तो यहाँ पर रकम की दो विशेषता बताई जा रही हैं, इतनी रकम और बड़ी रकम। ऐसे ही बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, यहाँ पर कंचे की विशेषता बताई जा रही है दो शब्दों के माध्यम से कि वो कंचे गोल भी हैं और उनका रंग सफ़ेद भी है। इस प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। जैसे ठंडी अंधेरी रात, सीमा पर जवानों के लिए ठंडी अंधेरी रात में गश्त लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको सेम टू सेम ऐसा नहीं लिखना है, इसी के आधार पर कुछ और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे चौकीदार के लिए ठंडी अंधेरी रात में चौकीदारी करना बहुत मुश्किल होता है। खट्टी मीठी गोलियां देखते ही बच्चों के मन में उन्हें खाने की इच्छा हुई, तो ये आप समझ गए ना
गोलियों की विशेषता दो शब्दों के माध्यम से बताई जा रही है कि वो गोलियां कैसी हैं, खट्टी भी हैं और मीठी भी। हमें हमेशा ताजा स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। स्कूल के वार्षिक सम्मेलन के लिए सभी ने स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने थे। कुछ करने को, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोजकर पढ़िए। तो ईदगाह को बच्चों आपने कक्षा 5 में पढ़ा था। एक बार अगर फिर से पढ़ना चाहते हो तो मैंने कक्षा 5 में इसका वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो कक्षा 5 की प्लेलिस्ट में और यहाँ ऊपर भी दिया गया है। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है। जब एक बार आप ये कहानी पढ़ लोगे तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ आएगी। और कंचा कहानी में अप्पू कंचे, इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। तो सबसे पहले ये ईदगाह कहानी को पढ़ लो, उसके बाद आप ये तय कर पाओगे कि इन दोनों में से आपको कंचा वाली कहानी का अप्पू अच्छा लगेगा या ईदगाह का हामिद। इन दोनों बच्चों में से ईदगाह कहानी में हामिद का अपनी दादी के प्रति प्रेम दिखाया गया है और उसने मेले से खिलौने की बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। जबकि इस कहानी में अप्पू का कंचों के प्रति इतना लगाव है कि वह फीस न जमा कर उन पैसों से कंचे खरीद लेता है। इन दोनों बच्चों की पसंद में से मैं हामिद को महत्व देना चाहूंगी, क्योंकि उसने इतनी कम उम्र में भी अपनी दादी का दुख समझा और मेले से उनके लिए चिमटा खरीदा ताकि दादी के हाथ ना जले। तो ये बात बच्चों आप तभी तय कर पाओगे जब आप ईदगाह कहानी को पढ़ोगे, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें वह समझें। क्या आपने कभी कंचे खेले हैं? अपना अनुभव लिखो। क्या अप्पू ने फीस के पैसे से कंचे खरीदकर सही काम किया? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो उसे लेने के लिए क्या करेंगे? सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।